दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट का थर्ड यूनिट में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं सवाल में, और उस पर यहाँ इस वीडियो में इस चैनल पे बात नहीं हुई थी। वो पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों? वो पॉइंट आपके सामने हैं, जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे बात नहीं हुई थी, जिस पर चर्चा नहीं हुई थी। आइए शॉर्ट वीडियो में बस इसकी बेसिक समझ जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा वो भी उस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले इसको समझ जाते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सोशियोलॉजी के, मतलब समाजशास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समाजशास्त्र क्या होता है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। देखिए समाजशास्त्र क्या होता है दोस्तों? समाजशास्त्र अंग्रेज को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का रूपांतरण है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? सोशियस और लोगोस। ओके, सोशियस शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान है, ठीक है, या समाज का अध्ययन है। तो आपने क्या समझा कि समाजशास्त्र क्या होता है भाई? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। ओके, इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो वर्ड सोशियोलॉजी हैज बीन ड्राइव From union of a Latin word socius and Greek word logos, okay? इसका मतलब which means society and science respectively. अतः thus the meaning of word sociology is the science of society. ये इसकी मूलभूत जानकारी यही है कि समाजशास्त्र का मतलब होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ड महोदय ने यही कहा था। वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। और गिडिंग्स साहब ने भी यही कहा था, गिडिंग्स ने क्या कहा था? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो क्या भाई, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। बात समझ में आ गई दोस्तों? मूलभूत यही है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। अब आइए, समाज का जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे आपको उद्देश्य क्या मिलेगा और इसको करने की जरूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, उपयोग क्या है? तो अगर आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो आपको समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। उपयोग, आवश्यकता, इंपॉर्टेंस, महत्व की बात किया जाए तो समाज की आपको ज्ञान होगा और आपका सामाजिक संबंध, आप समाज से जुड़े रहेंगे, सामाजिक एक व्यक्ति बने कहलाएंगे, सामाजिक रिलेशंस कायम होगा, सोशल रिलेशन बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक आचरण आपके अंदर आएगा, सामाजिक डिसिप्लिन आएगा, सोशल डिसिप्लिन, और समाज में चल रही समस्याएं आपके सामने उजागर होंगी और सामाजिक जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हैं वो प्राप्त होगा। तो समझ में आ गया दोस्तों? अब आप इसको अपनी भाषा में जितना चाहे बढ़ा चढ़ा के लिखिए, जितने वर्ड पावर आपके पास है, आपके लिखने की स्किल्स जो है आप उसको लिखिए, लेकिन बेसिक यही है कि समाजशास्त्र का मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और इससे फायदा क्या होता है? समाज का ज्ञान होता है, समाज से संबंध होता है, सामाजिक आचरण आता है और सामाजिक समस्याओं उजागर होती है और समाज का जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो प्राप्त होता है। तो समझ में आ गई समाजशास्त्र के बारे में। अब इसी से जुड़ा हुआ एक चीज है, क्या है? समाजीकरण। समाजीकरण के बारे में देखिए क्या होता है। इंसान जब समाज से जुड़ने लगता है, एक बच्चा जो पैदा हुआ है, वो छोटा बच्चा, वो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक। आपने अक्सर सुना होगा सामाजिक तत्व, आपने अक्सर सुना होगा असामाजिक तत्व। तो सामाजिक तत्व कौन होते हैं? जो समाज के भलाई की काम करते हैं वो सामाजिक तत्व कहलाते हैं, और जो समाज में रहने के लायक ना हो वो असामाजिक तत्व कहलाता है। तो समाजीकरण का मतलब यही होता है कि इंसान को सामाजिक बनाना। ये एक प्रक्रिया है जो इंसान संस्कार समाज से जुड़ने लगता है। और कैसे जुड़ता है दोस्तों? आप यहाँ देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। समझ आ गई दोस्तों? वह अपने समूह के कार्य करने को, ढंग को समझता है कि सोसाइटी में हमें कैसे कार्य करना है, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के अनुकूलन करता है, जो भी परंपराएं सामाजिक मूल्य हैं उसको देख के नकल करता है, उसको सीखता है, तथा स्वयं एवं अन्य सदस्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। स्वयं को जैसे समाज के दूसरे लोग हैं वैसे ही हम अपने आप को ढालने की प्रयत्न करते हैं। तो ये समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जो इंसान को समाज से जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गए दोस्तों? इसी चीज को इंग्लिश में कहा गया है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ पर्सन लर्न अबाउट रोल, स्टेटस एंड वैल्यू दैट शुड हैव इन अ सोसाइटी, दैट मस्ट हैव इन अ सोसाइटी। उन रोल और उन स्टेटस और उन वैल्यू को सीखने की कोशिश करता है जो कि सोसाइटी में होनी चाहिए। सोशलाइजेशन इज द कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया है। चिल्ड्रन विल लर्न मोर बेस्ट ऑन देयर ऑन इंटरेक्शन विद अदर पीपल। बच्चे ज्यादा कैसे सामाजिकरण से जुड़ेंगे, वो जब ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, खुद से अनुभव करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। अंग्रेजी की बात हो गई, ओके। अब इसी की एक परिभाषा देख लीजिए, सेम वही चीजें कही गई है परिभाषा में जी के। तो बोगार्ट्स महोदय ने कहा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, क्या है भाई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के दूसरों लोगों के साथ कार्य करना और समूह के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करना सीखता है। एक इंसान सीखता है कि समूह के दूसरे लोगों के साथ कैसे काम करना है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो सीखता है। इंग्लिश में यही चीज़ें लिखी हैं, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। एक साथ रहने और एक साथ काम करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भाई, समाजीकरण कहलाती है। तो समझ में आ गया, समाजीकरण मतलब समाज में रहने के लायक बनना, ये सीखना कि कैसे हमें सामाजिक बनना है, यही समाजीकरण कहलाता है। समझ गए दोस्तों, अपनी भाषा में लिखिए इन सारी चीज़ों को, खत्म। आप अपनी भाषा में लिखिए, बस समझ जाइए चीज़ों को। अब जब इंसान समाज में रहने के लायक बन गया, जब चीज़ों को सीख गया, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, इसके फायदे क्या होंगे, और ये बताइए कि वो तत्व, वो कारक कौन कौन से होंगे जो आपको समाजीकरण सिखाने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से समाजीकरण सीखेंगे, आप खुद से बताइए कि आप कैसे, एक छोटा बच्चा समाज के बारे में कैसे सीखता है, वो कौन कौन से कारक हैं, सहायक कारक जो इंसान को समाजीकरण सीखने में सहायता करती है, क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या हो सकता है, खुद से सोचिए, क्या परिवार, ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे ज़्यादा समय परिवार में देते हैं, तो परिवार हमें सिखाता है कि सामाजिक परंपराएं, सामाजिक गतिविधियां, समाज में कैसे रहना है, समाज को कैसे बेहतर बनाना है, हमारा आस पड़ोस का रहन सहन, हमारा नेबर्स एनवायरमेंट, अंग्रेजी में फैमिली, नेबर्स, सामाजिक परिवेश, किस परिवेश में आप रहते हैं, सोसाइटी आपको सिखाती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैत्रिक, यहाँ पे तो बना लीजिएगा, मैत्रिक समूह यानी कि फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर फ्रेंड सर्कल अगर गलत काम करने वाले हैं तो आप गलत काम करने लग जाएंगे, ये प्रभाव करेगा, सहायता करेगा गलत काम करने में। फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा बना दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाएं, कि जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जो स्कूल पढ़ाया जाता है वो कैसा पढ़ाता है आपको, तो संस्थाएं भी क्या है भाई, सहायक तत्व हैं, सहायक कारक हैं आपको समाजीकरण बनाने में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और आपकी धार्मिक संस्थाएं जहां पे आप धर्म की शिक्षा लेते हैं, वो भी बहुत हद तक मायने रखती हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, खुद की सोच होना, आदर्श, आप कौन से आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो सहायता करती हैं समाज को पहचानने में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात, अब आइए एक बात करते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए विशेषताएं आप खुद से बताएंगे, आसान शब्दों में बताएंगे, समाजीकरण से क्या होता है दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता यही है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण प्रक्रिया सापेक्षिक मतलब दूसरों से संबंध बनाती है। अगर एक सामाजिक इंसान होता तो वो और लोगों से, उसके फैमिलीज में, उसके रिलेटिव्स में उसके संबंध अच्छे होंगे, तो ये एक सापेक्षिक क्रिया है, ठीक है, रिलेशनल प्रोसेस है। समाजीकरण सांस्कृतिक तत्वों को प्रोत्साहित करती है, जो भी सांस्कृतिक है आपके उसको प्रोत्साहित करेगी, उसको बढ़ावा देगी। और दोस्तों समाजीकरण में संस्कृति का हस्तांतरण होता है, एक एक आने वाले बच्चे सीखते हैं कि हमारे पहले की संस्कृति में क्या थी, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरण होती है। लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिलेट विथ अदर्स, कल्चर प्रमोशंस एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये होगी इसकी विशेषताएं। अब आइए कुछ मूलभूत बातें करनी है आपसे, वो क्या है दोस्तों, वो बातें ये है कि अगर आपको पूछ दे कि समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, तो क्या आप खुद से नहीं लिख सकते हैं, समाज को बेहतर बनाना, समाज को अच्छा बनाना, समाज को सबसे रहने के लायक बनाना, समाज को सुरक्षित बनाना, समाज में चल रही बुराइयां, चोरी और रेप जैसी गंदी चीजें, इनको दूर करना, यही समाजीकरण का उद्देश्य है। समझ में आ गया दोस्तों, इसकी विशेषताएं हो गई। समाज में इसकी जरूरत क्यों है, आप स्वयं से लिख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि समाजीकरण और शिक्षा का संबंध, कैसे शिक्षा समाजीकरण में अपना रोल अदा करता है, आप स्वयं लिखिए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा, अच्छे आचरण का निर्माण करके, अच्छे बच्चों को शिक्षा पढ़ा के, अच्छे उनका परिवेश करके, तो शिक्षा कैसे समाजीकरण को बेहतर करती है, ये आप भी स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए बातों को। तो समाजीकरण सेम चीजें यही लागू होती है कैसे, शिक्षा शास्त्र पे, कि कैसे शिक्षा शास्त्र, शिक्षक कैसे शिक्षा शास्त्र के लिए उपयोगी है, शिक्षक कैसे शिक्षा शास्त्र को व्यवस्था कर सकता है, तो शिक्षक ही तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कराएगा भाई, वैज्ञानिक अध्ययन समाज का ही तो शिक्षा शास्त्र कहलाता है, और ये कराएगा कौन, शिक्षक। तो शिक्षक कितना उपयोगी है, शिक्षक का रोल क्या है, तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो किसी भी भाषा में सवाल पूछे जा सकते हैं, मगर इसका आंसर आपको यहीं से स्वयं बनाना है,
बना लेंगे दोस्तों, पक्का बना लेंगे ना। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म पे और आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन पे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, MB खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट डे अपलोड करना पड़ता है, एडिटिंग करना, ये सारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए इसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। लिंक मैं तुरंत अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे मिला होगा, आप वहां से देख के उसको देखिएगा और प्लीज बताइए कि कैसा लगा आपको ये चीजें देख के। पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, मैं आपको बस छोटे से फॉर्म में समझा देता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि यार कितना कोई रट लेगा बताइए ना, पूरे बुक को कोई रट नहीं पाएगा, पूरे बुक को कोई पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जब हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज़ें याद रह जाती है और एग्जाम्स में वही काम आएंगी। तो आप समझ गए समाजशास्त्र के बारे में, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है, और समाजीकरण का मतलब समाज से जुड़ना, ठीक है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज से जुड़ता है। इन दोनों की विशेषताएं, महत्व, उपयोगिता, शिक्षा का ऊपर, ये सारी चीज़ें आप स्वयं लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, कमेंट में बताइए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, कैसी लगी, और नेक्स्ट जो वीडियो है आधुनिकीकरण और सेकुलरिज्म वो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत